हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपिक रिजल्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड यानी कि यूपी पुलिस भर्ती के बारे में। तो पुलिस भर्ती में आप देख सकते हैं कितने पद निकल के आने वाले हैं, टोटल कितनी पोस्ट खाली है, क्या एज रहने वाली है और सैलरी आपको क्या मिलने वाली है, ऑनलाइन आवेदन कितने दिन तक होगा, कब से स्टार्ट होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, हम आपको बताने वाले हैं शुरू से लेके अपडेट लास्ट तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट 2023 के लिए है। महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है इसके अंतर्गत। तो यूपी में पुलिस में बम्पर भर्ती नया नोटिस यानी कि अपडेट जारी हो चुका है। अब ये अपडेट कितने तारीख को है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे 20 दिसंबर 2023 की अपडेट है। आप देख सकते हैं किसने अपडेट किया, इसका नाम भी देख सकते हैं और यहाँ पे जो इसके बारे में विस्तृत जानकारी से आप पढ़ सकते हैं कि पुलिस भर्ती में प्रोन्नति बोर्ड नागरिक पुलिस में 60,244 पोस्ट पर भर्ती निकल के आएगी इस बार 2023 के लास्ट वीक में, यानी दिसंबर चल ही रहा। अब मान लीजिए आज 20 तारीख है तो 27, 28 तारीख या 25 तारीख से पहले आपकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। जारी होने के बाद से 15 दिन बाद आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब कितने लाख बच्चे आवेदन कर सकते हैं तो टोटल आशंका लगाई गई है 25 लाख बच्चे आवेदन करने की संभावना लगाई गई है जिसने टेंडर लिया है। अब कितना आवेदन होता है वो होने के बाद ही पता चलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं भर्ती को प्रक्रिया को शुरू करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर नोटिफिकेशन किया या विज्ञप्ति जारी करने जा रहा है। अगले 2 माह के भीतर आपको नागरिक पुलिस PSC अग्निशमक सेवाएं उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल में भर्ती के लिए अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर समेत 80,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, यानी इसमें ये कहा जा रहा है। तो पहले हम जान लेते हैं कांस्टेबल के लिए जो भर्ती निकल के वो 60,244 पोस्ट पे भर्ती निकल के आएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को ये भी मिलेगा जो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कितने समय दिन मिलेगा, तो 15 दिन का समय मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 दिन के अंदर ये जो पेपर होगा यानी फॉर्म होगा इसको आपको फिल करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके बाद लिखित परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि पहले ये भर्तियाँ 52,699 थी, लेकिन अब ये भर्ती हो चुकी है 60,244, यानी जैसे आपका टाइम बढ़ता गया वैसे ये भर्ती थोड़ी बढ़ती गई है, क्योंकि काफ़ी सारे यानी कि जो पोस्ट पे तैनात थे कांस्टेबल उनका रिटायरमेंट हो चुका है, अब उनकी पोस्ट जो खाली है इसलिए उनके पोस्ट को यहाँ पे ऐड करके दे दिया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक खुशखबरी और है महिलाओं के लिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अगले साल नारी शक्ति में ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही जिन 50,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती करने जा रहा है, इसमें करीबन 12,000 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा PSC की 3 महिलाएँ वाहिनियों में से 1 में भर्ती की अनुमति भी शासन ने प्रदान कर दिया है। यानी पहले, अब इसमें देखिए महिलाओं की संख्या 12,000 तो महिलाएं हैं, बाकी जो संख्या बची 48,000 तो उसमें पुरुष सारे कैंडिडेट्स शामिल हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जान ही चुके हैं 15 लाख यहाँ पे यानी 25 लाख आवेदन होने की संभावना है जिस कंपनी ने टेंडर लिया है। और इसमें जो फीस रहने वाली है वो 400 रुपये रहने वाली है ऑनलाइन फीस जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए। SC ST महिलाओं के लिए और SC ST कैंडिडेट के लिए थोड़ी छूट मिल सकती है, क्योंकि उनके में छूट हमेशा मिलता आया है तो उनको छूट मिलने की संभावना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एज क्या रहने वाली है, तो बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं एज को लेकर, तो एज के बारे में हम बता देना चाहते हैं। तो एज की जो नोटिफिकेशन है वो 18 साल से लेकर 23 साल तक रखने की संभावना की है, जो कि जनरल वालों की है। अगर आप बात कर लेते हैं SC ST कैंडिडेट्स के लिए, SC ST कैंडिडेट के लिए तो दोस्तों उनके लिए थोड़ी छूट मिलेगी। SC के लिए 5 साल और ST के लिए भी 5 साल प्लस OBC के लिए 3 साल की छूट मिलती है, लेकिन जनरल के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। अगर मान लेते हैं भर्ती अगर आपने 2019 से आवेदन ट्राई कर रहे हैं और 2023 में आपकी भर्ती आई है तो इसमें आप तो ओवर एज हो चुके हैं, तो इसके लिए आपका पिटीशन चल रहा है कोर्ट में, लेकिन देखिए क्या होता है, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही पता चलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपका
जो फॉर्म होगा वो कब से भरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो देखिए जनवरी से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे 2023 से, अगर ये नोटिफिकेशन आ जाती है तो। अगर नहीं आती है तो फिर थोड़ी डिले हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लेट होती है ये भर्ती। आई होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।